अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम, खुश आमदीद जी आया नू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज हम लोग जा रहे हैं रावलपिंडी सदर, मुझे लेना है अपने लिए एक स्मार्टफोन। अगर आज हमको कुछ रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है तो आज हम लोग मोबाइल फ़ोन लेके घर आएंगे। तो चलिए गाइस, चलते हैं रावलपिंडी सदर। सदर रावलपिंडी में, तो यहाँ पे एक प्लाजा है जिसका नाम है सिंगापुर प्लाजा। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं देखने मेरा स्मार्टफोन। तो चलिए गाइस, चल के देखते हैं, अगर पसंद आता है तो फिर आज हम लोग यहाँ से अपना स्मार्टफोन खरीद लेंगे। सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा है, ये मुझे यहाँ से मिला है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस से। और मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यहाँ से अगर आपको कोई भी स्मार्टफोन खरीदना है तो आप जवाद भाई के पास आएँ। ये सिंगापुर प्लाजा है जी, सिंगापुर प्लाजा में, तो रावलपिंडी सदर में है सिंगापुर प्लाजा। तो अगर आप लोग यहाँ पे आके यहाँ करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और मेरा जो मुझे रेट मिला है ये मेरी सोच से भी काफ़ी कम मिला है मुझे। अभी हम लोग करने लगे जी अनबॉक्सिंग, तो चलिए करते हैं जी अब अनबॉक्सिंग। जी ठीक, छठी के ऊपर निशान है ये कौन सा? जी जी जानता हूँ, आगे मुझे नहीं पता कि
खुश होके जाते हैं। थैंक यू, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। गाइस, इस वीडियो में मैं इस मोबाइल फ़ोन का कोई फुल रिव्यू नहीं करने वाला, बल्कि मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करने वाला हूं कि ये मोबाइल फ़ोन मैंने क्यों ख़रीदा। इसकी पहली वजह यह है कि मैं सैमसंग नोट यूज़र, और इसकी दूसरी वजह यह है कि इसका कैमरा बहुत बढ़िया है और ये फ़ोन जो है वो मैं अपने डेली व्लॉगिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज के बारे में। इसमें 12GB की रैम दी गई है, जो कि मल्टीटास्किंग के लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। इसके साथ साथ जो है इसका बिल्ट इन स्टोरेज है वो 256GB है, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है 4K और 8K वीडियो स्टोरेज के लिए। और अगर हम इसके चिपसेट के बारे में बात करें तो इसमें हमें मिलता है एक्सिनोस 990 चिपसेट, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, और इसका बेंचमार्क जो इसने अचीव किया है वो है 508760। और अगर हम स्क्रीन रिफ्रेश रेट की बात करें तो इसमें हमें 120 हर्ट्ज जो है वो रिफ्रेश रेट मिलता है एट फुल HD, जो यूज़ करने में बहुत ही स्मूथ और मिल्की फीलिंग देता है। इसमें मतलब आप जैसे ही इसकी स्क्रीन को मतलब यूज़ करते हैं तो इसमें आपको प्रॉपर एक जो है वो फास्ट ट्रांजिशन मिलती है। और अगर हम बात करें इसमें फ्रंट फेसिंग कैमरा की, तो इसमें हमें मिलता है 10 MP का f2.2 26mm वाइड एंगल लेंस, जो कि ड्यूल पिक्सल है और ये रिकॉर्ड कर सकता है 4K अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड। तो आइए गाइस, बात करते हैं इस फ़ोन को ख़रीदने की सबसे बड़ी वजह की, जो कि इसके बैक में दिया गया 108 MP का f1.8 26mm वाइड एंगल लेंस है, जो कि वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है 4K अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड और 8K अप टू 24 फ्रेम पर सेकंड, जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इसके साथ साथ हमें मिलता है 12 MP का f2.2 13mm का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। और गाइस, इसके साथ साथ इसमें दिया गया है 12 MP का f3.0 पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस, जो कि जूम कर सकता है ऑप्टिकल जूम अप टू 5 times और हाइब्रिड जूम अप टू 50 times, जो इस वक्त तक के मार्केट में मौजूद सबसे बेहतरीन हाइब्रिड जूम प्रोवाइड करता है। तो गाइस, ये था इस फ़ोन का शॉर्ट रिव्यू, जिसकी वजह से ये स्मार्टफोन मैंने ख़रीदा है और ये आज से मेरा डेली बैड बॉय यूज़र होने वाला है, क्योंकि इससे मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। इसके साथ इसी में ही जो है वो मैं अपनी वीडियोज़ जो है वो उसको एडिट करके अपलोड करूँगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लैपटॉप के ऊपर इनको एडिट करूँ, और इस वजह से मुझे जो है वो हाई एंड डिवाइस चाहिए होती है, ताकि मैं अपनी वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग जो है वो एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर करूँ, उसके साथ साथ मैं इसको अपलोड करता चलूँ। तो उम्मीद करता हूँ गाइज़, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट का और आपकी प्यार का, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और इसके साथ साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।